आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए कि प्रभु ने एक नई सुबह को हमारे जीवन में दिया। तो आइए इस सुबह के समय हम उस परमेश्वर से प्रार्थना करें और उसका धन्यवाद करें और आज पूरे दिन भर को उस जीवित परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, क्योंकि हमारे परमेश्वर के वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि उसके पास हमारे लिए बहुत सारी कल्पनाएं हैं जो हमारी हानि की रही परंतु हमारे लाभ के लिए है। तो आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर से प्रार्थना करें जिसके पास हमारे लिए भली कल्पनाएं हैं, उत्तम कल्पनाएं हैं, जो हमारी हानि के लिए नहीं परंतु हमारे लाभ के लिए है। जितने भी भाई बहन हमें फोन कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप में, उन सब के लिए हम निरंतर हमारा प्रेयर सेंटर प्रार्थना करता है और जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके लिए भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए। मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की सुबह को पिता हम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु। पिता, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक जन को पिता तेरी पवित्र उपस्थिति में लेकर आती हूँ परमेश्वर। प्रभु जी, आपसे प्रभु हर एक जन के लिए तुझसे दुआ करती हूँ प्रभु कि आप आज की सुबह में प्रभु हर एक को अपनी शिशों से भरे, हर एक को अपने ज्ञान बुद्धि समझ से भरे प्रभु जी, और हर एक के लिए प्रभु जी आप प्रभु उत्तम मार्ग को तैयार करें परमेश्वर पिता। जिस प्रकार आपका वचन कहता है कि आपके पास हमारे लिए बहुत सारी कल्पनाएं हैं जो हमारी हानि के लिए नहीं परंतु लाभ के लिए है। यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जो कल्पनाएं आप हमारे विषय में करते हैं उन्हें आप हमारे जीवनों में पूरा कीजिए प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह में प्रभु, जो लोग प्रभु अपने घर से अपने नए कामों के लिए निकल रहे हैं परमेश्वर, आप उनके कामों को बनाए परमेश्वर, आप अपनी कल्पनाओं को उनके जीवन में पूरा करें प्रभु, आप उनकी इच्छाओं को प्रभु पूरा करें। विशेषकर प्रभु आज के पूरे दिन भर में प्रभु आप सबको अपने सुरक्षा दायरे में रखें प्रभु, हर एक दुर्घटना से, हर एक बीमारी से, हर एक कलेश से, हर एक नज़र से और प्रभु हर एक प्रभु दुष्ट की गलत युक्तियों से प्रभु आप हर एक को सेव करें प्रभु, हर एक को अपने सुरक्षा दायरे में रखें परमेश्वर। हर एक पर प्रभु आपका पवित्र लहू लगाते हैं परमेश्वर, हर एक जन को प्रभु जी आप प्रभु सेव करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो लोग प्रभु अपने कारोबार को चलाते हैं प्रभु और जो अपने कारोबार में उन्नति चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे लिए, हमारे लिए परमेश्वर की योजना भले के लिए है, हमारी हानि के लिए नहीं। प्रभु आप परमेश्वर उनके लिए उन कल्पनाओं को पूरा करें प्रभु जी, आप उनके लिए प्रभु उनके मनोरथों को पूरा करें परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, बीती रात प्रभु जो लोग बीमार रहे प्रभु और आज की सुबह में प्रभु जो लोग प्रभु अपने आप को अनहेल्दी फील कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाइए प्रभु और प्रभु उन्हें चंगा करें, उन्हें हर एक दर्द से, हर एक बीमारी से आप उन्हें छुटकारा दें परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए प्रभु, जो प्रभु आज के दिन में अपने टेस्ट देने जा रहे हैं प्रभु, अपने जॉब के लिए प्रभु जी इंटरव्यू देने जा रहे हैं परमेश्वर, प्रभु आप उत्तम कल्पनाओं को उनके जीवन में पूरा करें पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु, जो लोग प्रभु कर्जे में रहे प्रभु बीते समय, प्रभु आज के दिन में परमेश्वर आप उनके कर्जों के लिए प्रभु उपायों को कीजिए प्रभु और उनके लिए उत्तम कल्पनाओं को प्रभु आप तैयार करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग प्रभु अपनी जॉब के लिए चिंतित हैं प्रभु, आप उन्हें अच्छा जॉब दें। जो अपनी शादी के लिए चिंतित हैं, जो कल्पनाएं कर रहे हैं कि हमें अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, प्रभु यीशु आपसे दुआ है कि आप प्रभु उनके जीवनों में उन कल्पनाओं को पूरा कीजिए जो आपने उनके लिए तैयार किए हैं पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परिवार के हर एक जन के लिए प्रभु, कि आज के दिन में परमेश्वर हर एक को आप अपनी शिशों से भरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु जो लोग पिता परमेश्वर बहुत सारी चिंताओं में हैं, उन्हें आप चिंताओं से बाहर निकाल के एक नए दिन में प्रभु अपने आनंद से, अपनी खुशहाली से भरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद कि आपने सब बातों को पूरा किया प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।